साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शहनाज गिल की हेल्थ को लेकर हमने आपको अपडेट दी थी, अब वो पहले से बेहतर हैं, लेकिन अब शारीरिक के बजाय उन्हें मानसिक दिक्कत होने लगी है। हालांकि वो खाना पीना कुछ बहुत शुरू कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज गिल अकेली पड़ गई हैं, अकेलापन उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी शहनाज सभी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे रही है, दखल देने नहीं दे रही है। जी हां, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि शहनाज गिल ने अपने ही पिता से मिलने से इनकार कर दिया। जी हां, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है कि संतोष सुख सिंह मुंबई पहुंचे थे शहनाज से मिलने, मगर उन्हें दरवाजे के अंदर एंट्री नहीं दी गई। और बड़ी बात यह है कि सना के पिता उस टैटू के साथ पहुंचे थे जो उन्होंने हाल ही में अपने हाथ पर बनाया था। अब ऐसा घर के अंदर क्या हुआ कि सना ने पिता से मिलने से इनकार कर दिया? क्यों शहनाज का भाई भी उनके साथ खड़ा हो गया? सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या सना ठीक कर रही है, कमेंट जरूर करें। तो शहनाज गिल मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के ओशिवारा वाले उसी फ्लैट में रह रही है, और पहले भी हमने आपको बताया था कि शहनाज ने इस घर से बाहर कदम रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है और वो बाहर जाना ही नहीं चाहती है। हालांकि मुंबई में कई लोग उनसे मिलने पहुंचे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर कई अन्य लोग भी सिद्धार्थ के घर पहुंचे, शहनाज और रीता शुक्ला से मुलाकात भी की। शहनाज के भाई शहबाज तो तब से मुंबई में ही हैं और घर की सारी जरूरतों को अभी वही देख रहे हैं। अब इस बीच सबसे बड़ी खबर मुंबई से ही आई, शहनाज गिल के पिता संतोष सुख सिंह मुंबई पहुंचे। जी हां, अब तक पंजाब के अमृतसर में रह रहे संतोष सुख सिंह मुंबई पहुंचे, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, शहनाज गिल से मिलना चाहते थे और सिद्धार्थ सना के उसी फ्लैट में पहुंच गए। अब हैरानी की बात यह रही कि शहनाज ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। जी हां, घर के अंदर मौजूद लोगों के मुताबिक शहनाज ने पिता संतोष सिंह से मिलने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया कि वो अभी अपने पिता से बात नहीं कर सकती, मुलाकात भी नहीं कर सकती। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर शहनाज के भाई शहबाज भी थे और शहबाज ने ही सना को समझाया और एक बार मिल लेने के लिए कहा, लेकिन शहनाज न तो अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आए और न ही पिता संतोष सिंह को अपने कमरे में अंदर आने दिया। जी हाँ, ये हैरानी भरी बात है लेकिन सच है। और सूत्रों के मुताबिक शहनाज गिल को काफी समझाया गया लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और अंत में सूत्रों के मुताबिक संतोष सुख सिंह वहां से चले गए, सना सिद्धार्थ के फ्लैट से घर से बैरंग वापस लौट आए। हालांकि सिद्धार्थ की मां संतोष सिंह से जरूर मिली और उनसे उनकी बातचीत भी हुई। अब यहां पर सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सना सबसे मिल रही है वो अपने ही पिता से नहीं मिली। तो घर में मौजूद लोगों का कहना है कि शहनाज गिल अभी अपने पिता से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनके पिता हमेशा ही सिद्धार्थ शुक्ला से दूर रहने के लिए कहते थे, सिट को ज्यादा तवज्जो नहीं देने के लिए कहते थे, सिद्धार्थ के बारे में गलत शब्द बयानबाजी भी करते थे। और इस बार भी शहनाज को लग रहा था कि उनके पिता ऐसा ही कुछ करेंगे, ऐसा ही कुछ कहेंगे। यही नहीं, शहनाज गिल को लेकर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, पिता की हरकतों से वो हमेशा ही परेशान रहती थी। शहनाज के पिता पर शोषण के आरोप लग चुके हैं तो वो एक बार शहनाज के खिलाफ भी गलत बयानबाजी तक कर चुके हैं और शहनाज का मुंह, शहनाज का चेहरा कभी नहीं देखने की बात तक कर चुके हैं। अब खबरों के मुताबिक शहनाज गिल अपने पिता को अपने आसपास पाकर बेहद नाराज हो गई थी, सना ने मिलने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि और उसे जब लगेगा वो ठीक है तो वो खुद मुलाकात कर लेगी और खुद बुलाकर उनसे बात कर लेगी। अब यहाँ पर शहनाज के भाई शहबाज ने पहले तो खूब कोशिश की कि सना पिता से मिल ले, लेकिन बाद में वो भी शहनाज के साथ खड़े हो गए। खबरों के मुताबिक शहबाज ने कहा है कि वो सना की भावनाओं की कद्र करते हैं, उसके साथ खड़े हैं और हर कंडीशन में आगे भी शहनाज के साथ खड़े रहेंगे, उसने जो भी किया ठीक ही किया। अब एक और बड़ी बात आपको यहां पर बता दें कि शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह ने हाल ही में शहनाज को ही कंसोल करने के लिए एक टैटू भी अपने हाथ में बनाया था जिसमें शहनाज का नाम भी लिखा था, लेकिन अब खबर है कि ये टैटू भी संतोष सिंह ने शहनाज को मनाने के लिए किया था क्योंकि खबरें तो यहां तक हैं कि जिस दिन
सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से गए थे उस दिन सना ने अपने भाई को फोन किया था और अपने पिता से भी बात की थी। जी हाँ, उस दिन जरूर शहनाज गिल की अपने पिता से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद सना ने अपने पिता से बात नहीं की, संतोख सिंह से बात नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पिता अब भी सिद्धार्थ को लेकर कुछ गलत बयानबाजी करें, कुछ गलत बोलें, जो कि पहले काफी कुछ गलत सीट के लिए बोलते रहे। और अब साफ है कि शहनाज गिल अपने पिता से नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो सिद्धार्थ के बारे में अब तो कम से कम कुछ गलत नहीं सुनना चाहती हैं। भाई शहबाज भी अपनी बहन के साथ खड़े हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, शहनाज का ये फैसला कितना सही है कितना गलत, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो लगातार सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच रहे हैं और सिड की मां के साथ साथ शहनाज गिल से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं। अब बिग बॉस की विजेता रह चुकी रूबीना दिलैक भी अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ सिट के घर पहुंची और शहनाज के साथ ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से भी मुलाकात की, उनसे बात की। और इसके बाद जब दोनों घर से बाहर आए तो उन्होंने जो जो बातें बताई वो दिल चीरने वाली थी, दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि हालात वहां पर अब भी ठीक नहीं है। रूबीना और अभिनव ने स्पॉट बॉय से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में पहुंचकर वो पहले सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के पास गए और उनसे बात की। रूबीना और अभिनव ने बताया कि सिट की मां की हालत अब पहले से कुछ बेहतर है और अच्छी बात यह है कि रीता शुक्ला ने खाना शुरू कर दिया है। जी हां, रीता शुक्ला ने जो खाना पीना छोड़ा हुआ था और सिर्फ पानी या फिर जूस ले रही थी, वो अब डॉक्टर्स के दबाव के बाद उन्होंने खाना पीना शुरू फिर से कर दिया है और हल्की सॉलिड डाइट वो ले रही हैं। अभिनव ने बताया कि सिट की मां के आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन उनका दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था और मुझे देखकर लेकिन वो एक बार फिर से इमोशनल हो गई। अभिनव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने और सिद्धार्थ ने अपना मॉडलिंग करियर एक साथ शुरू किया था और इसीलिए वो सिट की मां को काफी पहले से जानते हैं और सिद्धार्थ के घर पर उनका पहले भी आना जाना था, तो मुझे देखकर सिद्धार्थ की मां इमोशनल हो गई, क्योंकि हमेशा मैं और सिद्धार्थ एक साथ ही घर में आते थे और सिद्धार्थ को याद करके मेरे सामने वो रोने लगी। अभिनव और रूबीना ने बताया कि सिद्धार्थ की मां धीरे धीरे इससे बाहर निकल रही हैं, लेकिन उनका दर्द तो जिंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने जवान बेटा खोया है। हालांकि उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। और अभिनव शुक्ला ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां अब पहले से कुछ ठीक कही जा सकती है। सिट की मां से मिलने के बाद अभिनव और रूबीना ने शहनाज गिल से मुलाकात की, जिनके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रूबीना और अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत पहले से कुछ ठीक कही जा सकती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन कहें तो शहनाज गिल ठीक नहीं है। जी हां, रूबीना अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत वाकई में ठीक नहीं है। रूबीना ने कहा, हमारे सामने तो शहनाज को ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसकी कलाई में कुछ निशान थे। अब आपको बताते हैं, ये निशान ग्लूकोज चढ़ाने के होंगे और कैनोला के वो निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, और वो एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर और दोनों हाथों की कलाइयों में कैनोला के निशान थे। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 से 12 दिन के अंदर ही शहनाज गिल को कितनी बार ग्लूकोज चढ़ाया होगा कि उसकी कलाई में इतनी बार कैनोला लगाना पड़ा। तो साफ समझा जा सकता है कि शहनाज गिल की हालत कैसी रही होगी, कितना दुख कितना दर्द शहनाज गिल ने झेला होगा। आगे देखिए, रूबीना ने बताया कि शहनाज बेहद गुमसुम हो चुकी हैं और उस प्यारी सी लड़की को ऐसा देखकर दिल ही बैठ गया। रूबीना ने कहा कि शहनाज हमेशा ही चुलबुली और मस्ती खोर रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गुमसुम है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।